गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लॉ की फर्स्ट क्लास। आप दिख रहा है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लियर नहीं है। बैकग्राउंड व्हाइट मत रखो, नहीं दिखता साफ। हाँ वही वो इसके लिए मैं चेंज कर रहा हूं। ये दिख रहा है साहब? अरे वाह, ये तो चमक रहा है, बढ़िया। गुड इवनिंग। लॉ फर्स्ट क्लास है आज। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप सब कैसे हैं? बढ़िया। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊं तो हमारे सिलेबस में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एथिक्स। ठीक है, ये हमारा कवर करता है 70 मार्क्स। 70 मार्क्स कवर करेगा हमारा, और एथिक्स वाला पार्ट हमारे पास 30 मार्क्स कवर करता है। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, लेट मी चेंज द पेन, पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करेंगे, फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चालू करेंगे, फिर हमारा नेगोशिएबल, और इन लास्ट फिर हमारा फोर्थ में एथिक्स चालू होगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल और सेल्स ऑफ गुड्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एंड देन एथिक्स। ठीक है जी, तो ये सिलेबस है। तो पहले 70% अपना कवरेज करेंगे एंड देन फिर लास्ट में 30% के लिए जाएंगे। पेपर आपका पूरा MCQ बेस्ड रहने वाला है, तो बुक के अंदर लगभग 1000 MCQ होंगे। अगर मैं पूरे टोटल की बात करूं तो पूरे 1000 MCQ आपको बुक के अंदर दिखेंगे। वो सारे के सारे MCQ हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो ये पूरा लॉ का सिलेबस। अच्छा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो अगर कोई बच्चा लॉ की क्लास लेना चाहता है तो 1500 फीस रहेगी लाइव के लिए, और 1000 फीस रहेगी रिकॉर्डेड सेशन। और जो रिकॉर्डेड सेशन होंगे वो लाइव वाले रिकॉर्ड, जैसे ये लाइव क्लास चल रही है इसी को रिकॉर्ड करके वो वाले दिया जाएगा। तो जैसे जैसे बजट है आप उससे ले सकते हैं। ये सारी क्लासेस लेने के लिए आपको दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी होगी, तो दीपक क्लासेस ऐप में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और हमसे कॉन्टेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पहले हमसे कॉन्टेक्ट करिए, फिर बताइए हमें कौन सी क्लास चाहिए, देन हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थोड़ा प्रमोशन करना था वो कर दिया मैंने आपके लिए। आइए, तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं दोस्त? आज की क्लास के अंदर हम लॉ के बारे में जानेंगे कि लॉ बनता कैसे है, ठीक है, और लॉ में क्या क्या चीजें होती है। और कल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। आज की क्लास में मैं आपको लॉ के बारे में डिस्कशन करूंगा, और कल से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा। बैकग्राउंड क्लियर है? अब साफ दिख रहा है आप सभी को बैकग्राउंड?
परफेक्ट है। चलिए फिर आ जाइए, देखिए अगर हम बात करें लॉ की, तो मान लो एग्जांपल शुरुआत करते हैं, और लॉ की क्लास में ज्यादातर कॉमेडी वगैरह भी होती रहती है, तो क्लास देखना आराम से अच्छा लगेगा आपको, बोरियत नहीं होगी थ्योरी वाले सब्जेक्ट की मेरे साथ। अगर मैं बात करूं सर, मान लो कि एक प्लेस है, एक जगह है, ये एक प्लेस है, इस प्लेस से अगर किसी को इस प्लेस में जाना होगा तो कैसे जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा तो कैसे जाएगा? तीन चार हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि चल के जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घोड़े में बैठा और तुड़क तुड़क करते हुए निकला, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा बाय एयर, है ना, बाय शिप, ऐसे करके जा सकता है। एक जगह से अगर किसी पर्सन को दूसरी जगह जाना होगा तो वह ऐसे जा सकता है, भाई चल के जा सकता है, घोड़े का इस्तेमाल कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है, समझी। अगर मैं बात करूं आज से बहुत पहले के टाइम, जब पान टाइम में जब गाड़ियां नहीं होती थी दोस्त, गाड़ियां, तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो पैदल चल के जाते थे। बहुत पुरानी बात करूं, 1700 या 1800 की बात अगर ले लो, तो जब गाड़ियां नहीं होती थी, कार नहीं होती थी या बाइक्स नहीं होती थी, है ना, तो उस टाइम पे लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ता था। मान लो अगर उनको 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, तो पैदल चल के जाना होता था, ऐसा करना होता था। आपने देखा होगा राम जी कितना चले थे श्रीलंका तक पहुंचने में, लंका तक पहुंचने में, अयोध्या से लंका तक पहुंचने में कितना चले थे, जबकि वहां पर उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। तो ऐसे केस के अंदर बहुत पहले की बात करें तो पहले पैदल चल के जाना था। अब सोचो सिमिलरली जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे बात करी, तो लोगों ने क्या करा, जानवरों को यूज करा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि इंसान जो होता था थक जाता था, तो जानवर की जो कैपेबिलिटी है वो इंसान से कहीं ज्यादा है चलने के लिए, तो घोड़े खच्चर, है ना, इन सब का यूज करा गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हाथियों का यूज करा होगा, आपने देखा होगा पुराने जमाने में, पुराने जमाने की फिल्म अगर टाइम में देखा, मूवीज में देखा होगा, हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब सोचिए एक, मान लीजिए एक घोड़ा वहां से आ रहा है, एक घोड़ा यहां से आ रहा है, दोनों आ रहे हैं आपस में तुड़क तुड़क करते हुए, तुड़क 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 करते हुए करते। अब जैसे ही वो दोनों सामने होंगे, भीड़ तो नहीं जाएंगे ना भाई, अब एक घोड़ा साइड से निकल जाएगा, दूसरा साइड साइड से निकल जाएगा। अब घोड़े को इतने समझ तो होगी कि यार चल भाई ऐसे तुड़क तुड़क कर रहे, तुड़क तुड़क कर रहे, थोक दे इसको, घुसार दे इसके बीच में तलवार, काट दे इसकी मुंडी, अलग कर दे गर्दन, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो चल रहा है अपना, भाई दूसरा घोड़ा सामने से आ रहा है, अला घोड़ा यहाँ से आ रहा है, तो साइड में दोनों खिसक कर साइड हो लेंगे और अपना अपने बारी में चलेंगे। ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे पास फोन आया, विशाल बहुत हंस रहा है, विशाल का फोन आया मेरे पास। एक मैंने कहा हाँ क्या हुआ विशाल, क्यों फोन करा? कह रहे सर एक बहुत बड़ी मतलब कुछ हो गया है मेरे साथ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा वो सर कल ना वो उसको मैसेज करा था मैंने। किसको? मैंने कहा किसको मैसेज करा, कोई है क्या? हाँ, कह रही मैंने तनीषा को मैसेज करा। तनीषा, तनीषा दिखे मुझे, नहीं नहीं तनीषा को, क्लास के बच्चे ही लेता हूँ मैं हमेशा, माहौल बन जाता है। कह रही सर, कह रहा सर मैंने तनीषा को मैसेज करा। मैंने कहा क्यों करा मैसेज? कह रहा सर बात करनी थी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हुई बात? कह रहा सर बात तो ही, मैंने जैसे ही मैसेज करा उसने ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सर अब। मैंने कहा तो क्या करेगा? कह रहा सर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कहा क्या है तेरा प्लान? कह रहा सर मेरे घर के आगे रहती है तनीषा, वो रोज शाम को साइकिल लेकर निकलती है साइकिलिंग करने, आज मैं भी निकलूंगा अपनी साइकिल में। वॉइस कम आ रही है? ऐसे थोड़ी ना कम आ रही है, थोड़ा भाई वॉल्यूम बढ़ाओ। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन होने में, तो बताओ ना उसको यार कैसे ज्वाइन होना है।
कैसे बताऊंगा मैं, क्लास के बीच में ग्रुप में मैसेज कराया हुआ, चलो अभी देखता हूँ। तो विशाल ने मेरे को फोन करा, सर मैंने एक प्लान बनाया बढ़िया से। मैंने कहा क्या प्लान है? कह रहा सर उसने मैसेज नहीं करा, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, मेरे को ब्लॉक भी कर दिया उल्टा। मेरे दोस्त सारे हंस रहे हैं, अभी कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट भी देखो तो कमेंट में भी हंस रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है सर, मैं भी हंस रहा हूँ पता नहीं क्यों। सर मैंने एक प्लान बनाया है कि तनीषा रोज शाम को साइकिलिंग करने जाती है, मैं भी जाऊंगा साइकिलिंग करने और पीछे से ठोक दूंगा, तनीषा गिर जाएगी और मैं भाग जाऊंगा। सर ऐसा प्लान है मेरा। उनका बहुत बढ़िया है, उनका बहुत बढ़िया प्लान है। अब प्लान कुछ इस तरीके से है कि तनीषा निकलेगी, ठीक है तनीषा, तनीषा साइकिल करके निकलेगी, ये पीछे साइकिल आ रहा होगा तेज और तेज चलाकर सनिका को ठोकेगा पीछे से साइकिल से और तनिका गिर जाएगी, ये नाके निकल जाएगा। प्लान ये है इसका, विशाल का। अब विशाल ने सुबह शाम को निकली तनिषा वापस, तनिषा निकली, विशाल को दिमाग में निकला कि तनिषा निकल चुकी है। अब तनिषा को निकला आधा घंटा हो गया, तनिषा साइकिलिंग करके वापसी आ रही थी। अब विशाल तो कह रहा प्लान तो यार गड़बड़ हो गई, यहां तो मुझे तनिषा के पीछे जाना था और पीछे से ठोकना था, अब ये तो वापसी आ रही है, अब क्या करूं। कह रहे ठोकूंगा तो सही भाई, मैं को मुझे नहीं पता इसने ब्लॉक कैसे करा मुझे, अब मैं तो भैया को ठोक। अब तनिषा विशाल निकला भाई साइकिल चला रहा अपनी, ये वो तनिषा आ रही है अपने आराम से, ये गाने सुनते हुए टक 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 टक, विशाल आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तनिषा इधर को जा रही है लेफ्ट हैंड साइड को, विशाल राइट हैंड साइड को आ रहा है, विशाल ऐसा आ रहा है, तनिषा यूं जा रही है, तनिषा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, विशाल यूं आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, वहां से आ रहा है, विशाल एकदम ही कट मारा और तनिषा को ठोक दिया, तनिषा को ठोक दिया, तनिषा गिर गई नाली में, तनिषा सड़ गई पूरी नाली से, विशाल भागा भाई, विशाल भाग गया। अब विशाल भाग गया, तनिषा को पता नहीं चला कौन लड़के ने साइकिल में ठोक दिया मुझे, तनिषा तो नाली में गिरी हुई है, उसको उठाने के लिए लोग आए कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कहाँ गई तनिषा, कहाँ, अरे यहीं तो थी तनिषा, कहाँ चली गई, अरे तनिषा क्या कर रही हो वहां पर, आप खड़े हो जाओ बेटा, वहां क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। तनिषा खड़े हुए, अंकल यार ठोक दिया पता नहीं किसने। अब तनिषा को बाद में पता चला कि विशाल था, अब तनिषा ने प्लान बनाया, अब तनिषा कह रही है अब मैं बताती हूँ उसको। अब विशाल साइकिल लेकर तो निकलता नहीं है, विशाल खड़ा था अपने घर के सामने। अब तनिषा साइकिल लेकर आई, तनिषा विशाल की गली में गई, बहुत तेजी चलाकर विशाल को आगे वाले टायर में बिठा कर घुमा गई, साइकिल ले आ रही सर करके तेज बना, विशाल को ठक्का ठोका, विशाल आगे वाले टायर में बैठ रहा और विशाल घूम रहा है ऐसे करके। तनिषा ने सीधा नाले में जाके रोकी और सूंघ करके गया नाले के अंदर, हमें एक तो मैसेज करके ब्लॉक कर दिया है, ऊपर से मुझे साइकिल से ठोकता है, हैं मजाक बना रखा है, दोबारा मैसेज कर मत दियो, शकल देखी तूने अपनी, जे देख के शकल। और विशाल को गुस्सा आ गया, क्या करूंगा, विशाल कुछ नहीं कर पाए, विशाल कुछ नहीं, विशाल रो रहा बेचारा। अब मान लो विशाल यहां से साइकिल लेकर आ रहा है और तनिषा यहां से साइकिल लेकर आ रही है, अब ऐसा तो नहीं है दोनों ठोक देंगे आपस में कि तिल मैं भी आ रहा हूं तो है कि लगे, तो अरे ये रही लड़की, अरे लड़की 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 लड़की, चलो 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 ऐसे करके, ऐसे तो नहीं करेगा, ठोक तो नहीं देगा भाई, ऐसा तो ना होता है। तो ये आपस भाई साइड से निकल जाएगी तनिषा, अपना विशाल साइड से निकल जाएगा यार, ऐसी तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि दो साइकिल चला कर आया ठोक दी, क्योंकि आपके पास उसका कंट्रोल है दोस्तों, साइकिल कंट्रोल आपके पास है, साइकिल कंट्रोल आपके पास है, आप नहीं ठोकेंगे क्योंकि आपको पता है कि यार ये यहाँ से एक लड़की आ रही है, वहां से मैं आ रहा हूँ, तो अब साइड में से निकल जाता है, ठीक है ना, तो आपके पास कंट्रोल है साइकिल के। बट जब हम बात करते हैं सर गाड़ियों की, कार्स की बात करते हैं, तो अगर हम कार की बात करें तो कार्स के इंजन फेल हो सकते हैं, कार का ब्रेक फेल हो सकता है और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हुआ कि जब हम पैदल चलते थे तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, घोड़े चलते थे तो घोड़े को भी समझ है कि यार मुझे आपस में घोड़े घोड़े उठनी टक्कर मारनी, जब हम बात करने लगे जब हम साइकिलिंग पे करते थे तब भी हमारे को समझ है कि साइकिल हमारे कंट्रोल में है, तो तब भी हम ज्यादा तक भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। जब हम बात करते हैं कार्स की, तो कार्स के दोस्तों ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कार्स के ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, कार के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, कार के टक्कर होने के चांसेस, कार का इंजन फेल हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, कार्स आई, बसेस आई, बाइक्स आई, तो जितना आप ज्यादा नई टेक्नोलॉजी में घुसे उतने ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ने लगे, और इंडिया के अंदर तो भैया इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट से मर रहा है आज। तो गवर्नमेंट को एक
महसूस हुई एक चीज, और वो महसूस ये हुआ कि अगर हमने ऐसे ही एक्सीडेंट बढ़ते रहे तो पता नहीं क्या कितने हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कानून लेकर आए। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और कानून का नाम रखा मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। और इस कानून में यह बताया कि आपको रेड लाइट पर रुकना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना है, आपको ओवरटेक नहीं करना पर्टिकुलर जगह पर, आपको स्पीड लिमिट के अंदर रहना है, ये सब चीजें बताई। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत। तो एक्सीडेंट दिन पर दिन बढ़ रहे थे दोस्तों, तो गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ऐसे एक्सीडेंट बढ़ते रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कानून लेकर आए और लोगों को उस कानून का पालन करना होगा। रेड लाइट पर रुकना है तो रुकना पड़ेगा, अगर रेड लाइट तोड़ी तो चलान कट सकता है, पेनल्टी लग सकती है अगर आपने ऐसा करा तो। देखिए तो ऐसे केस के अंदर जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यार अब लॉ की नीड है, यहां पर अब यहां पर कानून लाने की जरूरत है, तो फिर लॉ लाया जाता है। तो लॉ जो आता है वो सिचुएशन से आता है, सिचुएशन डिमांड्स लॉ ऐसा कह सकता हूं मैं कि यार अलग अलग प्रॉब्लम्स अगर फेस की जा रही है तो उस प्रॉब्लम के बेस पर हम क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ऐसी लोग किसी को भी चाकू मार देंगे, मार देंगे तो कानून है, लोग डरते हैं यार अगर हम किसी को मार देंगे तो हमें भी सजा होगी, हमें भी फांसी हो सकती है, इसलिए लोग आपस में इतना झड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होते। उनको पता है कि यार अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो इस पे मुझ पे इफेक्ट आएगा, मुझ पे ही मैं ही पकड़ा जाऊंगा, और डर है। कानून इसलिए बनाया जाता है कि लोग अपने डिसिप्लिन पे रहे, और कानून की नीड होती है जब कुछ प्रॉब्लम्स आए, जब कुछ प्रॉब्लम फेस करती है इंडियन गवर्नमेंट, उनको लगता है कि यार इस पे कानून आना चाहिए, ये प्रॉब्लम फेस कर रही है इस पे कानून आना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट कानून लेकर आती है, भारत सरकार कानून लेकर आती है। और कानून लाया कैसे जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि कानून जब भी लॉ बनाया जाता है तो वो किसी प्रॉब्लम के बेस्ड पर बनाया जाता है। कहीं प्रॉब्लम अराइज होगी पर उसके रिलेटेड कोई कानून नहीं है तो फिर उसके लिए लॉ बनाया जाएगा। लॉ की डेफिनेशन नहीं होती दोस्तों, लॉ के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि लॉ ऐसी चीज है जिसको मानना पड़ेगा सभी को, लॉ एक कानून है जो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है और सभी को इसका उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, लॉ बनाया जाता है जब सिचुएशन डिमांड करती है, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पर लॉ बनाने की नीड है, यहाँ पर ऐसी कानून लाने की जरूरत है, तो लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर लॉ की क्या डेफिनेशन, तो लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं, और किसी भी बुक में लॉ की डेफिनेशन नहीं लिखी। सभी राइटर ने अपने अपने विचार रखे, सभी राइटर ने अपने अपने विचार रखे कि यार मेरी तरफ से कानून ये होना चाहिए, मेरी तरफ से लॉ ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे रखा। तो लॉ कब बनाया जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉ बनाने की नीड है तो यहाँ पर लॉ बनाना चाहिए, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट लॉ फिर बनाती है। बहुत सारे कानून इंडियन गवर्नमेंट बनाए क्योंकि लगा कि यार इस जगह पर, इस सिचुएशन पे लॉ बनना चाहिए, नहीं तो फिर गलत यूज हो जाएगा उस सिचुएशन पे, ठीक है, इसलिए लॉ बनाया जाता है। तो जैसे कि हमें लगा था यहाँ पर क्या थी वो सिचुएशन, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे, दिन पर दिन एक्सीडेंट बढ़े जा रहे थे, तो मोटर व्हीकल कानून लेकर आए कि इसको अब आपको मानना पड़ेगा, इसके अंडर पे ही आपको कार ड्राइव या बस ड्राइव करनी होगी, नहीं तो एक्सीडेंट और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सीडेंट बढ़ने की वजह से कानून लाया गया, तो कब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कानून बनाया जाता है। बताइए सर, समझ में आ गया? आप पूछोगे व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो एक्चुअल डेफिनेशन लॉ तो सर कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि लॉ सबके सोचने का तरीका अलग है, सबको बताने का तरीका लॉ का अलग है कि मेरे हिसाब से तो लॉ ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो लॉ ये होना चाहिए, इसलिए किसी बुक में लॉ की डेफिनेशन नहीं लिखी। हम ये बता सकते हैं कि लॉ कैसे बनता है, आइए तो लॉ कैसे बनता है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि लॉ की नीड क्यों हुई, भैया मोटर व्हीकल एक्ट में एक्ट क्यों, लॉ क्यों नहीं लिए। हाँ, एक्ट और लॉ में बताएंगे अभी कानून में फर्क। किसी भी लॉ को लिखा जाता है एक्ट के थ्रू, एक्ट कि किस जगह पर कौन से साल में वो कानून पास हुआ, ठीक है ना, एक्ट के थ्रू लिखा, लॉ नहीं लिखता। लॉ एक वाइडर टर्म है, अगर हम किसी में लॉ लिखते रहेंगे तो वो नहीं, लॉ इज अ वाइडर टर्म। लॉ के अंदर बहुत सारे कानून होंगे, मोटर व्हीकल एक्ट है ना, और आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, ये सब क्या है, लॉ के अंदर ही कवर हो गया।
तो अगर सब में लॉ लगा देंगे तो लॉ को एक वाइडर टर्म रखा, इसके अंदर बहुत सारे कानून होंगे, देन जाकर एक्ट बनाया रखा उसके जगह पर। तो सभी में एक्ट लाने का वजह है क्योंकि सभी में लॉ नहीं ला सकते, लॉ को एक वाइडर टर्म रखा, लॉ एक बड़ा है और इसके अंदर सभी बहुत सारे कानून होंगे जो एक्ट के फॉर्म में रखेंगे। क्लियर। अब ये कानून एक्ट कैसे बनता है, ये एक्ट बेसिकली एक्ट भी एक तरीके का लॉ ही है, पर लॉ एज अ वाइडर टर्म, लॉ के अंदर बहुत सारे कानून होंगे, बहुत सारे एक्ट होंगे, तो उसको लॉ को वाइडर रखा है और सभी में एक्ट लगाया है, इसलिए वो एक्ट भी एक तरीके का लॉ ही होता है। ठीक है, वो अलग से नहीं है, एक्ट भी एक तरीके का लॉ ही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब कोई भी पार्टी, सुनो ध्यान से, जब कोई भी पार्टी, सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बहुत सारी बेसिक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, पर मैं आपको पहली क्लास में एडवांस नॉलेज नहीं दूंगा लॉ की। मैं आपसे कहूंगा कि भाई धीरे धीरे करके लॉ को समझना ज्यादा सही रहता है, अगर आप एडवांस नॉलेज लोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ बातें आपको लगेगी यार ये तो मैंने इस वाले सर ने तो हमें पहली क्लास में ये भी बताया था, इस वाले सर ने तो हमें पहली क्लास में ये भी सिखाया था, मैं नहीं बता रहा आपको। रीजन है उसका क्योंकि पहली क्लास है, पहली बार लॉ पढ़ रहे हो तो आपको धीरे धीरे बताना है, ऐसा नहीं कि पहली क्लास में सब बता दो। पहली क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, ना कि सेल्स और ना कि फुल कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पहली क्लास में जितना नीड है उतना ही बता रहा हूँ, लॉ में बहुत कुछ बताने के लिए है, बेसिक में बहुत कुछ बताने के लिए है। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले अगला हमारा क्या है, हमारा पॉइंट है कि हम लॉ कैसे बनता है, एक कानून कैसे बनता है। देखिए जब कोई भी पार्टी, बीजेपी हो गई, इंडियन कांग्रेस हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, ये तीन है मेनली, जब कोई भी पार्टी जीतती है तो उसके अंदर होते हैं बहुत सारे एमएलए एमपीस, है ना, एमएलए एमपीस होते हैं। अब क्या करते हैं एमपीस एमएलए बनते हैं मिनिस्टर, क्या बनते हैं मिनिस्टर, जैसे कि बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के सेक्टर है, जैसे डिफेंस सेक्टर है, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर है ना, जैसे कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक हो गया, तो सभी के अलग अलग, जैसे कि टेक्सटाइल एक अलग सेक्टर हो गया, है ना, स्टील एक अलग सेक्टर हो गया, तो सभी, जैसे कि रेलवे, इंडियन रेलवे एक अलग सेक्टर मान लिया। तो क्या होता है जब कोई पार्टी, पार्टी जीतती है तो उसके जो एमएलए एमपी होते हैं उनको उन सेक्टर का क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है, उनके हाथ में कंट्रोल दे दिया जाता है। जैसे आप कहते हो रेलवे मिनिस्टर ये है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया ये, है ना, तो ये सब चीजें, डिफेंस मिनिस्टर ये है, है ना, होम मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर का काम क्या होता है बेसिकली, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम करना, उस सेक्टर को डेवलप करना, बेसिकली ये काम होता है। और उस सेक्टर के अंदर कोई भी कानून पास करना हो तो मिनिस्टर का काम होता है बेसिकली कि वो उसके लिए कानून, नई नई चीजें लाए, क्योंकि कानून इन एंड कैसे पास होगा वो अच्छी डिस्कशन करेंगे, पर मिनिस्टर का काम होता है कि ये वाला चीज यहाँ पर आनी चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि यार ये वाली पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ये, अभी डिफेंस मिनिस्टर ने क्या रिलीज करा है स्कीम, है ना, कौन सी है यार याद नहीं आ रहा मुझे, पॉलिसी बनाना, हाँ आप कह सकते हैं पॉलिसी बनाना भी, चलिए हाँ अग्निवीर, अग्निपथ नहीं रहे, अग्निवीर, अग्निपथ कह रहा है, अग्निवीर भाई, अग्निपथ थोड़ी ना, मूवी थोड़ा देख रहे हो तुम। तो डिफेंस मिनिस्टर ने अब अग्निवीर करके एक पॉलिसी निकाली है, तो उस तरीके से अब बवाल हो रहा है, चलो कोई नहीं। आइए तो सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए मिनिस्ट्रीज होती है, अब मिनिस्ट्री बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कि हमारे लिए बहुत काम आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर एमसीए बोलते हैं उसको प्यार से, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हम फाइनेंस से रिलेटेड काम है, हमारा काम भी फाइनेंस से रिलेटेड है, है ना, प्रोफेशनल स्टूडेंट क्या करेगा, फाइनेंस रिलेटेड काम होगा, कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी से रिलेटेड काम होगा, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी से रिलेटेड। तो इन दोनों की मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास है, है ना, जनरल नॉलेज नहीं बता रहा है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इनकी मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के पास है। अब कोई भी कानून लाया जाएगा तो वो कानून बनाया कौन, निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री, उनके वहां पर जो काम करने वाले हैं वो लगेगा कि यार यहाँ पर ये कानून लाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अफेयर एक ऐसी मिनिस्ट्री है जहां पर कंपनी से रिलेटेड, है ना,
लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप सोल प्रोवाइडरशिप, ये सारी चीजें कवर होती है कॉर्पोरेट अफेयर में। ठीक, कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी को कब आपको कंपनी ने क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट कराने हैं गवर्नमेंट को, कंपनी ने कैसे टैक्स भरना है, कंपनी ने कैसे अकाउंटिंग करनी है, कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री देखती है। और दोनों की मिनिस्ट्री का हेड किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा अब मैं आपके बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री क्या करती है, जब भी कोई लॉ पास करना होता है, जब भी किसी सेक्टर में कोई नया लॉ पास करना होता है, तो एक पहले बनती है रूल बुक। क्या बनती है दोस्तों? एक रूल बुक बनती है पहले बनती है एक रूल बुक। अब ये रूल बुक में क्या होता है, इसके अंदर लिखे होते हैं रूल्स, एक दो तीन चार पांच ऐसे करके रूल लिखे हैं। जैसे कि मैंने कहा मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा कि भाई रेड लाइट पे रुकना है। अब क्या होता, रेड लाइट का मतलब होता है रुको स्टॉप, ऑरेंज लाइट का मतलब हो गया है कि अपनी गाड़ी धीरे कर लो, अगर आप स्पीड से आ रहे हो तो गाड़ी धीरे कर लो, अगर आप रुके हुए हो तो गाड़ी स्टार्ट कर लो, ग्रीन होने वाली है, ये मतलब होता है। तो एक लड़का वहां से गाड़ी बाइक में आ रहा है, उसने देखा क्या कहते हैं ग्रीन है लाइट, ग्रीन से संतरी हो रही है, बोले भाई वो कह रहा है धीरे कर लो, वो आ रहा है कि रेड ना हो जाए, चल तेरी भागो यहाँ से, रेड हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, रुकना पड़ेगा, ये चल रहा है आजकल। भाई ग्रीन का मतलब है चलो, येलो का मतलब है स्पीड कम करो, रुकना है, रेड लाइट आने वाली है, स्पीड कम कर लो, कह रहा है अरे ऑरेंज आ रही है, रेड आने वाली, भागो। ये नहीं, यहाँ पर नहीं चलेगा बिल्कुल भी ऐसा, यहाँ पर रेड लाइट आके तो रुकना पड़ेगा भाई, दो मिनट का सफर नहीं है किसी को भी। तो ऐसा है कि ये रूल्स कहाँ लिखे हुए, रूल बुक में, मोटर व्हीकल एक्ट बनाने से पहले उसका एक रूल बुक बना होगा, वहां लिखा होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी स्टॉप करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे आगे जाना है, ये पेनल्टीज है, अगर आपने ये तोड़ा तो ये पेनल्टी, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी, तो सारे रूल्स लिखे गए। तो जिस बुक में ये रूल्स लिखे गए उस बुक को रूल बुक कहते हैं, और लॉ की लैंग्वेज में उसको ड्राफ्ट या फिर बिल कहते हैं। क्या कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में उसको? ड्राफ्ट या फिर बिल। मैंने तो रूल बुक ऐसे ही बोल दिया, बेसिकली लॉ की लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट या फिर बिल कहा जाता है। सील्ड बेल्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, ये सब रूल्स में डाल दिए। तो ऐसी पहले क्या करेंगे, जो जिसकी मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री क्या करेंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे कहाँ पर क्या क्या कानून, क्या क्या नई चीजें ऐड ऑन करनी है, क्या हमें रूल्स लेकर आने हैं, तो वो चीज यहाँ पर ऐड करेंगे। तो एक पहले बुक बनाएंगे जिसके अंदर सारे कानून जो आपको अप्लाई करवाने हैं जनता में, पब्लिक में, वो लिखा जाएगा, रूल बुक बनाई जाएगी। अब रूल बुक जो है वो ड्राफ्ट और बिल कहते हैं, एज पर लॉ लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज को ड्राफ्ट कहा जाता है। अब ये रूल बुक जो बनेगी पहले जाएगा ये लोकसभा में, लोकसभा इज अ लोअर हाउस, है ना, पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में ये रूल बुक में जितने भी रूल्स लिखे होंगे को सब पढ़ा जाएगा, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एमएलए एमपी बैठे होंगे, ठीक है, तो वहां पर जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये वाला रूल आना चाहिए, सबके लिए वोटिंग होगी, पहला ये रूल है, ये रूल पढ़ा गया, अगर सबको अच्छा लगा तो वोटिंग सब हाँ करेंगे, सबको अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, ये वाला रूल नहीं आना चाहिए, ऐसे करके वोटिंग्स होती है। तो जब मान लो रूल बुक दिखाई, इसके अंदर मान लो 100 रूल लिखे हुए हैं, 100 में से 80 पास हो गए, बाकी पास नहीं हो पाए, तो जितने पास हो गए उस रूल बुक को फिर आगे भेज दिया जाता है राज्यसभा में। तो ये रूल बुक जब ये पास हो जाती है लोकसभा से, फिर देन इसको कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में। इनको कहां भेजा जाता है दोस्तों? राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में भी लोग बैठे होते हैं, फिर वो रूल दोबारा पढ़े जाएंगे एंड दोबारा सभी लोग एग्री होंगे कि हाँ ये रूल आना चाहिए, ये वाले कानून में ये वाला रूल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए उसके लिए लड़ेंगे। एंड देन राज्यसभा में पास होने के बाद, अब मान लो भाई 100 रूल लिखे थे और 100 रूल में से 20 तो यहीं पर रिजेक्ट कर दिए गए, इधर पास ही नहीं हो पाए, 80 पास हो, 80 आगे गए, फिर 20 और रिजेक्ट कर दिए, 60 ही बचे। अब जो 60 बचे, 60 रूल बुक, ये 60 जो रूल पास हो गए हैं कि हाँ सभी लोग एग्री है कि ये वाले रूल्स कानून, ये जो रूल है ये पब्लिक पे अप्लाई होने चाहिए, देन इसकी एक बुक बनाकर भेज दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। जब राज्यसभा से पास हो जाएगी तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इस रूल बुक को पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ने वढ़ने का काम इनका नहीं होता,
इन्होंने कहा कि चलो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, चलो आ जाओ मेरे पास आओ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस रूल बुक के अंदर रूल बुक में अपना साइन करते हैं और अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगाते हैं, POI का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप, जब ये दोनों चीज जाती है, इन दोनों चीज को प्यार से कहते हैं एसेंट। क्या दे दिया? एसेंट दे दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या दे दिया? एसेंट दे दिया, मतलब उन्होंने साइन और उन्होंने अपनी स्टैंप लगा दी। और जैसे ही रूल बुक में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन और स्टैंप लग जाती है, देन दिस रूल बुक बिकम एक्ट। ये रूल बुक क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। कि मोटर व्हीकल की रूल बुक थी, ये सारा प्रोसीजर हुआ और देन जाकर मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की रूल बुक बनी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे पास हुए, देन जाकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया। सिमिलरली ऐसे ही बनता है एक कानून। तो पहले एक रूल बुक बनाई जाती है, बिल बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है कि कौन सा कानून पब्लिक में पास करवाना है। पहले लोकसभा के पास जाएगा, वहां से पास होगा, देन राज्यसभा, वहां से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एसेंट देंगे। एसेंट का मतलब होता है साइन और उनकी स्टैंप लगेगी, और जैसे ही वो रूल बुक में साइन और स्टैंप लग जाएगी तो वो रूल बुक बन जाएगा एक्ट। बताइए सर, क्या आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक एक्ट बनता है, किस तरीके से एक एक्ट बनता है? अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि सर जो एक्ट होता है ना, जो एक्ट होता है उसके एक्ट का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा। एक्ट का जो पहला लेटर होगा सर वो बड़ा होगा, एक्ट का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि अगर एक्ट का पहला लेटर बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा है, तो दोनों में डिफरेंस है। इधर एक्ट का मतलब होता है जब पहला लेटर बड़ा होगा, इसका मतलब होता है लॉ, कानून, है ना। पर अगर ये लिखा है ACT एक्ट, इसका मतलब होता है एक्शन, किसी काम को करना, फर्क है। तो अगर ACT छोटा वाला ए है, इसका मतलब है किसी काम को करना, एक्ट, और अगर बड़ा वाला ए है तो उसका मतलब है कानून है। तो दोनों में फर्क है कि एक्ट में जब भी आपका लिखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसका I, उसका C और उसका A कैपिटल लेटर होगा। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लोग, किसी भी कानून का एक्ट का अगर आप उसका नाम पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, किसी भी पढ़ोगे, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि वो एक्ट को दर्शाता है। क्लियर है? छोटे वाला एक्ट का मतलब हो गया एक्शन, किसी काम को करना, और बड़े वाला एक्ट का मतलब हो गया लॉ। राइट, क्लियर हो गया? ठीक, ये नोट्स बना रहे हो आप? लॉ की कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं, ये वाले बना रहे? कोई बात नहीं बनाया, कोई बात नहीं। ये जितनी भी बातें मैंने यहां पर लिखी है ना दोस्त, इसको आपको नोट्स में भी उतारना है, ठीक है? ये पहले ये वाला उतारना है आपको, फिर आपको ये वाला पॉइंट उतारना है, एंड देन ये वाला उतारना है। तो ऐसे करके आपको नोट्स भी मेंटेन करने हैं। हाँ, रिकॉर्डेड में देखकर आप आराम से बना लीजिएगा। अब अगला पॉइंट क्या होता है, जब कोई एक्ट बन जाता है तो एक्ट के अंदर क्या होता है, अब हम एक्ट के अंदर जो वन रूल होता है उसको हम सेक्शन वाइज डिनोट करते हैं कि सेक्शन नंबर वन, ये एक रूल ही है, सेक्शन नंबर वन ये एक कानून ही है कि सेक्शन वन है। पर हम किसी भी कानून को सेक्शन वाइज इसलिए बांटते हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से वाले कानून का किस सेक्शन में लिखा हुआ है, मतलब कौन से नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हमें देखना हो कि अगर हमें किसी को पेनल्टी देनी हो तो हमें पता होना, हम ऐसे कहेंगे पेनल्टी देनी है इस वाले कानून की, ये वाली नंबर टू की पेनल्टी है, ऐसा अच्छा लगेगा। हम कहेंगे भाई ये वाले एक्ट के सेक्शन टू में लगेगी पेनल्टी, या सेक्शन 10 में लगेगी पेनल्टी, सेक्शन 20 में लगेगी। तो सेक्शन एक बनाया गया आगे कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि सेक्शन वन में क्या रूल लिखा हुआ है, क्या कानून है, सेक्शन टू में क्या है। किसी को अगर सजा देनी है 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, धारा 302 सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। दैट इज सेक्शन 302 क्या बताता है कि अगर आप किसी को मार देते हो, किसी को मर्डर कर देते हो, या बहुत कुछ लिखा होगा उसके अंदर, फांसी की सजा सुनाई जाएगी, ऐसे करके। तो सेक्शन वाइज बनाया गया कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से, हम अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करें, इसलिए हमें सेक्शन वाइज बनाया गया। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा लिखा होता है सेक्शन, सुनो ध्यान से, कभी कभी लिखा होता है जैसे कि मान लो सेक्शन नंबर मेरा कोई 10 है, सेक्शन नंबर 10 है। अभी सेक्शन नंबर 10 के अंदर एक पहला वाला रूल लिखा हुआ है, इसमें दो रूल लिखा हुआ है, और इसमें तीन लिखा है। सेक्शन नंबर 10 के अंदर तीन रूल लिखे गए, ऐसे भी हो सकता है।
सेक्शन नंबर 10 के अंदर तीन रूल लिखे, सेक्शन 1, सेक्शन 10 के अंदर पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं कि सेक्शन 1 के अंदर अगर तीन रूल लिखा है तो उसको तरीका होता है हमें डिनोट करने का, हम कहते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। तो ये जो साइन होता है दूसरा, ये तो हो गया सेक्शन 10, ये इसका साइन होता है, दैट इज कॉल्ड सब सेक्शन। इसको क्या कहते हैं, सब सेक्शन, मतलब सेक्शन 10 के अंदर तीन पॉइंट है, सेक्शन 10 के अंदर तीन पॉइंट है, तो हम अपनी सेक्शन 10 के पहले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 10 के दूसरे वाले पॉइंट की, बोलते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3। मतलब हमें पता चल जाएगा कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, तो हमें समझ में आ गया कि सेक्शन 10 का तीसरा वाला पॉइंट है जो आपको बता रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि सेक्शन मान लो 10 लिखा हुआ है, उसका पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, पर तीसरे के अंदर ए और बी भी है, ऐसा भी हो सकता है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, और तीसरे के अंदर ए और बी है। तो अब इसके स्कोर को कैसे लिखेंगे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए क्लॉज बी, ऐसे लिखते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए क्लॉज बी, ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, समझ में आ गया, कैसे बोलेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे भैया सेक्शन 10 है उसका तीसरा पॉइंट मतलब सब सेक्शन 3, और सब सेक्शन 3 का पहला वाला पॉइंट और सेक्शन 3 का दूसरा वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्लोज, क्लोज कहते हैं, क्लोज, क्लोज सब सेक्शन के बाद भी आ सकता है और सेक्शन के बाद भी आ सकता है। अब ये क्लोज और सब सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, देखिए क्लोज और सब सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, देखो एक आएगा सब सेक्शन और एक होता है क्लोज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पता होना चाहिए आपको, कहीं पर आपको लिखा होगा क्लॉज, कहीं पर आपको लिखा होगा सेक्शन, तो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, पहली क्लास में भी समझ में आएगा। लिखा हुआ है सेक्शन 10, ठीक है, इसके अंदर अगर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 2 3, ये लिखा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ऐसा कह सकता हूँ कि सेक्शन 10 है उसके अंदर तीन पॉइंट है, इसलिए बोल रहा हूँ सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब सेक्शन 10 के अंदर तीन पॉइंट है, सेक्शन 10 के अंदर कितना पॉइंट है, तीन। तो दोस्तों ये जो तीन पॉइंट है सब सेक्शन, हम तब यूज करते हैं जब इन तीनों पॉइंट के बीच में इंटरलिंक होता है कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप सेक्शन 10 का पहला वाला पॉइंट पढ़ के गए तो फिर वह आधी अधूरी जानकारी है सेक्शन 10 की, आपको सेक्शन 10 के तीनों पॉइंट पढ़ने होंगे तभी आप सेक्शन 10 अच्छे से समझ पाओगे। समझ में आ रहा है, सेक्शन 10 का अगर कहीं लिखा है सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, इसका मतलब तीनों ही पॉइंट में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। पर अगर आपको लिखा हो कभी ऐसा लिखा हो कि सेक्शन 5 क्लॉज 5 क्लॉज ए, ऐसे लिखा हो कि सेक्शन 5 एंड देन क्लॉज ए, ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेक्शन 5 है, ठीक है, उसके अंदर ए क्लॉज है और बी क्लॉज, ऐसा बोल रहा है, तो ए और बी क्लॉज के अंदर कोई भी इंटरलिंक नहीं होता, दोनों क्लॉज आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में कोई भी इंटरलिंक नहीं है, आप इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप अगर सेक्शन 5 का क्लॉज ए पढ़ के गए तो वो पूरा सेक्शन माना जाएगा, पूरी जानकारी है उसमें, आधी जानकारी नहीं होगी। सेक्शन 5 का क्लॉज बी पढ़ के गए तो पूरी जानकारी है, पर अगर आप सेक्शन 10 का 1 सब सेक्शन 1 पढ़ा, 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं, तो फिर आपको आधी अधूरी जानकारी है सेक्शन 10 की। मतलब सब सेक्शन जो भी होते हैं, अगर 5 सब सेक्शन है तो उसका पांचों में कहीं ना कहीं इंटरलिंक होगा, पर क्लॉज अगर 5 है तो उन पांचों में कोई भी इंटरलिंक नहीं होगा, सब इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ बताइए सर, डेफिनेशन में भी तो क्लॉज लगता है, हाँ लगता है, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया सेक्शन और सब सेक्शन, सर क्लॉज किस में होते हैं, देखिए ये आपको लॉ द्वारा बताया जाएगा। कहीं पर देखो, मान लो कानून आपसे, आपसे कह रहा है कि आप ना ये तीनों, कानून ने एक सेक्शन बनाया सेक्शन 5 मान लो, उसके अंदर तीन पॉइंट दिए, अब लॉ मेकर कहना है, जो लॉ मेकर है, लॉ बनाने वाले हैं, वो कहते हैं ये तीनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक है, तो लॉ मेकर कहेगा ये सेक्शन जो होगा इंटरलिंक है ना आपस में, इसलिए इसको सब सेक्शन कहा जाएगा। अब आपने सेक्शन नंबर 8 पढ़ा, उसमें दो पॉइंट दिए ए और बी, अब लॉ मेकर को बताइए दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक है ही नहीं, तो फिर लॉ मेकर कहेंगे इसको सेक्शन 8 सब सेक्शन ना पढ़ के क्लॉज ए क्लॉज बी पढ़ो,
तो कहीं पर भी अगर आप पूरे लॉ पढ़ रहे हैं, आप अभी यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे इंटर पढ़ोगे फिर फाइनल पढ़ोगे, कहीं पर भी किसी भी लेवल पढ़ोगे, ये बेसिक एक तो सेम रहने वाला सभी लेवल पे, और किसी भी लेवल पे जब आप देखोगे कि कहाँ पर लिखा सेक्शन 2 सब सेक्शन का यूज करा गया है, कहीं पर सेक्शन 5 क्लॉज का यूज करा है, तो क्लॉज वाले केस के अंदर क्या होगा, उन क्लॉज में चाहे 4 क्लॉज हो तो चारों आपस में इंटरलिंक नहीं है, अलग अलग उसको पढ़कर अलग अलग पूरा कंप्लीट मान सकते हैं, जबकि सेक्शन जो होंगे अगर 5 है तो 5 के 5 आपको पढ़ने होंगे, अदरवाइज वो इंटरलिंक है, अदरवाइज फिर आधी अधूरी जानकारी हो सेक्शन की आपके पास। बताइए सर, समझ में आ गया? तो लॉ मेकर अगर चाह रहे हैं कि यार ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, लॉ मेकर कह रहे हैं कि ये जो 10वें सेक्शन के 5 पॉइंट जो आपको दे रहे हैं ना, ये 5 इंटरलिंक है, आपको 5 पढ़ना तभी आप ये कंप्लीट सेक्शन मानोगे, तो फिर लॉ मेकर कहेंगे वो सब सेक्शन है। और लॉ मेकर कह रहा है कि यार ये कोई सेक्शन 20 है, इसके 3 अगर पॉइंट डालू और तीनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक कर ही नहीं रहे, फिर लॉ मेकर सेक्शन 20 को क्लॉज करके बोलेगा। बताइए सर, समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको सेक्शन और क्लॉज में सब सेक्शन और क्लॉज दिखेगा, कहीं पर लॉ में लिखा हो कि ये क्लॉज है सब सेक्शन, तो आप समझ जाना कि क्लॉज में आपको क्या होता है, वहां पर आपका जो इंटरलिंक होता है वो नहीं होता, क्लॉज के अंदर पॉइंट्स में अलग अलग होता है, और जबकि सब सेक्शन इंटरलिंक करते हैं, एक पॉइंट दूसरे वर्ड से लिंक करेगा कहीं ना कहीं, तभी पढ़ने पड़ेंगे सब सेक्शन आपको, तभी एक कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना, मैं थोड़ा एडवांस थोड़ा सा आगे जाऊंगा, तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, अब इन दोनों में एक डिस्प्यूट हो गया, इन दोनों में एक झगड़ा हो गया, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, अब ये दोनों पहुंचे कोर्ट, ये दोनों कोर्ट गए, इन्होंने केस कर दिया कि भाई सर ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, इन्होंने केस कर दिया। अब जज साहब के पास ये गए, जज साहब ने कहा कि भाई क्या बात हो गई, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, इसने अपनी प्रॉब्लम बताई, जज साहब को समझ नहीं आया करना क्या है, क्या डिसीजन दूं। जज साहब ने सारे कानून पढ़े, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम देखी कि कहां पर लिखा है इनकी ये डिस्प्यूट का, इसका सोल्यूशन कहां पर है, कौन से कानून में लिखा होगा डिस्प्यूट का सोल्यूशन, किस एक्ट में लिखा होगा डिस्प्यूट का सोल्यूशन, जज साहब ने एक्ट खोल के देखे, कहीं पर सोल्यूशन था ही नहीं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि हमारे पास कुछ ऐसे डिस्प्यूट आ जाए जिसके लिए कानून बना ही ना हो, ऐसे भी तो हो सकता है, तभी तो दिन पर दिन रोज कानून बन रहे हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डिस्प्यूट आ जाए जिनके ऊपर कभी कानून बनाए ना हो, उसका सोल्यूशन ही ना हो, क्योंकि जब कानून बना होगा उसके बेस पर तो जज साहब क्या दे देंगे, अपना सोल्यूशन दे देंगे कि भाई एक्ट के तहत ये होना चाहिए, है ना। मान लीजिए मैं रेड लाइट क्रॉस करी मैंने, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं चलान नहीं भरूंगा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं तू भरेगा चलान, कानून कहता है, तो मैंने कहा मैं नहीं भरूंगा, कोर्ट के पास चले गए, तो मैंने कहा सर मैंने रेड लाइट क्रॉस करी है, मैं चलान नहीं भरूंगा, पुलिस वाले कह रहे हैं सर भरना चाहे, तो कानून क्या कहेगा, एक्ट क्या कहेगा, मोटर व्हीकल एक्ट, कह रहा जी भरो रेड लाइट क्रॉस करने में कानून भरो। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मेरे को इमरजेंसी थी इस वजह से, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इमरजेंसी केस में आप कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट होगा तो डिस्प्यूट का सोल्यूशन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जाएगा, भाई ऐसा डिस्प्यूट है एक्ट में इसका बातें लिखा है तो हम उसको बता देंगे। पर कभी कभी ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है कोर्ट के अंदर जिसके बारे में किसी भी एक्ट में नहीं लिखा, उसका सोल्यूशन किसी भी एक्ट में नहीं बताया कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, सही चीज क्या है। तो अब जो जज साहब है वहां पर, यहाँ पर एक नहीं होता, 3-4 मिलकर या 1, 2 या 3 या 4 बेंच बोलते हैं इनको ना, बेंच ऑफ कोर्ट क्या बोलते हैं कि बेंच ऑफ मतलब 5 बेंच बैठी है, इसका मतलब कोर्ट के अंदर 5 जज बैठे हैं, वो मिलकर डिसीजन लेंगे, 4 बेंच 3 बेंच है तो 3 जज बैठे हैं, तो 1 बेंच का मतलब एक जज बैठकर डिसीजन ले रहा है, तो बोलते बेंच ऑफ कोर्ट कहते हैं उसको। कहीं पर वर्ड सुना होगा बेंच ऑफ कोर्ट का मतलब 5 बेंच ऑफ कोर्ट बैठी है, तो उसका मतलब क्या होगा 5 जज मिलकर डिसीजन लेंगे। अब इस जज साहब ने इस डिस्प्यूट पर डिसीजन लिया, ऐसे डिस्प्यूट जिनके बारे में किसी भी कानून में नहीं लिखा, और अब जज साहब ने कोई सोल्यूशन निकाला, सही चीज का सोल्यूशन निकाला कि इसमें सही क्या होना चाहिए, क्या पता केस इसके फेवर में चले जाए, कोई ना कोई किसी के फेवर में तो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा जज को। तो जज ने जो सोल्यूशन निकाला होगा तो ऐसे केस के अंदर ये सोल्यूशन अब एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। अब ऐसे डिस्प्यूट, ये जो भी डिस्प्यूट होगा, ऐसे डिस्प्यूट अब आगे फ्यूचर में जिस भी नेचर में आए
तो इसमें जो सोल्यूशन दिया था वही सोल्यूशन सभी डिस्प्यूट सेम नेचर के डिस्प्यूट पे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड केस लॉ। क्या बोलते हैं इनको? केस लॉ कहते हैं। तो कानून जब आप पढ़ोगे, जब आप लॉ पढ़ोगे, तो लॉ में आपको सिर्फ एक्ट में लिखी बातें नहीं माननी पड़ेगी, केस लॉ में जो केस लॉ जो हुए थे वहां पर जो उसका डिसीजन था, जो डिसीजन था जज साहब का, जो केस लॉ बना, केस लॉ क्या बनता है, केस लॉ क्या होते हैं कि इससे ऐसा डिस्प्यूट हुआ इससे पहले कानून में नहीं लिखा था, अब जो केस हुआ इस केस में जो जज ने डिसीजन दिया जिसके फेवर में दिया, ठीक है, जो डिसीजन होगा ऐसे केस के लिए, इस टाइप के डिस्प्यूट के लिए जो इस वाले केस में डिसीजन दिया गया है, वो डिसीजन ही अब हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा हर किसी। समझ में आ गया? बताइए सर, केस लॉ का समझ में आया? केस लॉ क्या होते हैं, आगे जाकर मैं आपको केस लॉ बताऊंगा, केस लॉ का एग्जांपल देना। हाँ हाँ, इसका एग्जांपल क्या, इसका कोई एग्जांपल थोड़ी ना होता है, इसका हमें केस लॉ पढ़ना पड़ेगा आगे जाकर, आगे जाकर हम एक्चुअल में केस लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये केस लॉ क्या है। केस लॉ क्या है? एक एक्चुअल डिस्प्यूट है, झगड़े हुए हैं, मान लो आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो गया, आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अब ऐसे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, अब कानून में कहीं नहीं लिखा तो जज साहब ने डिसीजन किया कि मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब ऐसे केस के अंदर डिसीजन क्या आया कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपसे फीस ले ली, अब डिसीजन क्या आया जज साहब की तरफ से कि यार ऐसे केस के अंदर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसने पढ़ाया नहीं पूरा, उससे फीस ले ली, बच्चे से पूरा नहीं पढ़ाया, तो अब टीचर को डबल फीस देनी पड़ेगी उसको वापस, एक तो जो फीस ली थी वो उसके बाद डबल देनी पड़ेगी। सुनो, ठीक है, ये डिसीजन दिया। अब इन फ्यूचर अगर कोई टीचर ऐसा करता है सेम चीज कि भाई बच्चे ने फीस दे दी और टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ये जो इस हमारे में केस में जो डिसीजन दिया गया था कि डबल फीस, यही एप्लीकेबल सब में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड केस लॉ, इसको कहते हैं केस लॉ। समझ में आ रहा है केस लॉ क्या होता है? केस लॉ भी एक कानून ही होता है, एक लॉ ही होता है जो मानना पड़ेगा आपको। पर ये केस लॉ बनते कैसे है कि इससे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट इससे पहले अगर किसी कानून में नहीं लिखा तो उस पे जो आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन अब एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर फ्यूचर में यही डिस्प्यूट फ्यूचर में कभी आएगा तो ये केस लॉ के रेफरेंस से बुलाया जाएगा कि ये इसका डिसीजन होगा, अगर किस कानून में लिखा है जो आपने डिसीजन दिया है, ये केस लॉ दिखाएंगे कि भाई ये रहा केस लॉ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड केस लॉ। ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, बहुत सारे केस लॉ होते हैं और ऐसे केस के अंदर फ्यूचर में केस लॉ क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी इस डिस्प्यूट का जो सलूशन हुआ है ना, वो सलूशन अब ऐसे सिमिलर नेचर की डिस्प्यूट फ्यूचर में कभी भी आए तो ये सलूशन जो इस डिस्प्यूट में होता है वही सलूशन हर सिमिलर नेचर के डिस्प्यूट में सुनाया जाएगा। अब ये किसी एक्ट में तो लिखा नहीं है, पर ये केस लॉ भी एक तरीके का आए। तो अगर मैं बात करूं कि लॉ क्या है, तो लॉ एक्ट है, लॉ एक्ट है प्लस लॉ केस लॉ भी है, लॉ एक्ट है और प्लस लॉ केस लॉ भी है। तो भी मैंने कहा था कि लॉ एक वाइडर टर्म है, अभी तो उसके अंदर लाइन है बहुत बड़ी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। लॉ क्या है? एक्ट है, केस लॉ है, ऑर्डिनेंस है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूल, ये सब है। ये सारी चीजें बताने लगा तो बहुत बहुत डीपली हो जाएगा दोस्त, हमें पहली क्लास में इतना पढ़ना ही नहीं है, नॉर्मल चीजें हमें सीखनी है, इसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे, ये बढ़ता चले जाएगा धीरे धीरे। ठीक है सर, बताइए सर, समझ में आ गया? क्लियर हो गई? लॉ कैसे बनता है? लॉ सर, लॉ जज भी बना सकते हैं, यस, देखो ये बना तो केस लॉ ही तो ये, इन्होंने जो डिसीजन दिया, जज ने जो डिसीजन दिया वही एप्लीकेबल हो जाएगा अब, बट जज के जो डिसीजन होंगे वो डिसीजन बेस्ड होंगे फैक्ट्स पे, बेस्ड होंगे एक्चुअल फैक्ट्स पे, जो उनके पास फैक्ट आया, ऐसे नहीं कि गलत डिसीजन दे देंगे तो लॉ बन जाएगा, ऐसे नहीं, सही डिसीजन पे लॉ बनाया जाएगा। तो जज के जो डिसीजन है वही कानून बन जाएगा, अगर कानून तब बनेगा जब उस वाला डिस्प्यूट का कोई भी सोल्यूशन किसी एक्ट में पहले नहीं लिखा था तब बनेगा वो कानून, पहले लिखा है एक्ट के अंदर तो फिर अलग से कानून तो ना बनेगा, उस एक्ट के पॉइंट देकर रेफरेंस देकर सर अपना डिसीजन देंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम और पूछो 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 पूछो, अच्छा एक चीज और बता दो, एक बात मुझे बताओ, बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में है, मतलब अभी ये रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी होती है, बीजेपी है अभी, वो पूरी गवर्नमेंट है बीजेपी की है, तो इनको बोलते हैं रूलिंग पार्टी, जो रूल करती है,
और जो कांग्रेस है वो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है ना। तो बीजेपी जो है वो अभी कानून अभी सत्ता में है, तो इसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी क्या करती है, अब बताओ, बीजेपी कानून कब जब मर्जी ले आती है, लॉ कोई भी लॉ ले आती है जब मर्जी, है ना, ऐसा होता है ना। पर लॉ तो जब मर्जी आ ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ पास होने के लिए तो प्रोसीजर है, एक एक्ट बनाने के लिए प्रोसीजर है, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, प्रेसिडेंट के जाएंगे। पर बीजेपी क्या करती है ऐसा कि एकदम ही अप्लीकेबल हो जाएगा, एकदम ही ऐसे कैसे हो जाता है, क्या होता क्या ऐसा। कोई भी रूलिंग पार्टी जो होती है उसको एक स्पेशल, कुछ स्पेशल चीजें मिली होती है, क्या मिली होती है, वो चाहे तो जब मर्जी रूल बना सकते हैं। फाउंडेशन में तो नहीं है, पर जब आपके पास इंटरमीडिएट में आओगे तो सेक्शंस के नीचे नीचे लिखा होता है रूल्स। अब रूल बनाने का काम होता है रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी कभी भी कानून नहीं बना सकती, एक्ट नहीं बना सकती। एक्ट तो पास होगा लोकसभा राज्यसभा के थ्रू। मान लीजिए कोई सेक्शन 10 है, कोई सेक्शन 10 है और सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि रेड लाइट क्रॉस करी तो 2000 रुपए का चालान लगेगा, ये लिखा था सेक्शन 10 के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब रेड लाइट क्रॉस करने पे 2000 का चालान, अब ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार सेक्शन के अंदर कुछ लिख दिया गया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर एड ऑन किया जा सकता है, उसको काट नहीं सकते। सेक्शन एक बार डल गया उसको काट नहीं सकते। अब क्या करा जाएगा, अब रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अब सेक्शन को क्या करना है भाई, रेड लाइट क्रॉस करना है, अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से। अब जो पार्टी सत्ता में होती है वो क्या करती है, नीचे लिखती है रूल नंबर 1। अब कहेगी भाई सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि रेड लाइट क्रॉस करने में 2000 की पेनल्टी लगी, यहां का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। अगर सेक्शन 10 कहता है कि दो, ये सेक्शन कहां बने, एक्ट के थ्रू, और एक्ट बना लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, वो तो सेक्शन बने। पर रूलिंग पार्टी के पास ऐसी स्पेशल पावर क्या है कि वो क्या कर सकती है, ऐसे उनके पास ऐसी पावर क्या, सत्ता में बैठने का क्या फायदा हुआ उनका, तो आइए, उनका बेनिफिट ये है कि यहां लिखा होगा कि रेड लाइट तोड़ने पे 2000 का चलान, तो रूल बना देंगे वो। अब रूल बनाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ये जो रूलिंग पार्टी होती है अपनी मर्जी से बना सकती है रूल, उनके किसी की, अब लोकसभा राज्यसभा की परमिशन नहीं चाहिए रूल बनाने के लिए, वो अपनी मर्जी से बना सकती है रूल। अब रूल डाल देगी यहां पर कि 2000 का चलान तभी कटेगा अगर कोई इमरजेंसी ना हो, तो ऐसे डाल देती है रूल, रेड लाइट क्रॉस करने पे 2000 का चालान कटेगा अगर आगे आपकी इमरजेंसी हुई तो नहीं कटेगा, ये बना दिया रूल। अब ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके लिए कोई भी एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, रूल अपनी मर्जी से डाल सकती है रूलिंग पार्टी। इसलिए रूल भी क्या बन जाता है, लॉ, वो भी लॉ बन जाएगा। रूलिंग पार्टी रूल लेकर आएगी तो वो भी लॉ में कवर हो जाएगा दोस्तों, वो भी कहेंगे कि इसको भी आप गवर्नमेंट को, पब्लिक को मानना पड़ेगा। यहां पर रूल एक और नवा दिया, रूल नंबर 2। अब रूल वो जितने मर्जी बना सकती है, रूल वो जितने मर्जी बना सकती है। तो इसलिए रूलिंग पार्टी का ये स्पेशल पावर है कि वो जब मर्जी चाहे किसी भी एक्ट के किसी भी सेक्शन के नीचे रूल उछाड़ कर उसको सेक्शन को ही चेंज, मतलब चेंज कर देगी। पर ऐसा करने के लिए बहुत प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है, बट इनके पास पावर है, इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी जो रूलिंग पार्टी होती है, तभी तो सत्ता में रहने का बेनिफिट है। समझ में आ गया। तो मैं क्या कहूंगा कि लॉ क्या है, एक्ट है, लॉ क्या है, केस लॉ है, लॉ क्या है, रूल्स है। आप जब आगे जाकर इंटरमीडिएट फाइनल पे पढ़ेंगे, आगे इंटर और फाइनल पे पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, ये सब चीजें वहां पर भी सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर मेरा पहली क्लास लॉ की खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में लॉ में इतना ही हम करेंगे।